सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने YouTube चैनल UK02 डेली वेट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के साथ कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हल्की हल्की धूप निकली है। यह है कपकोट का क्षेत्र। इधर दिखाई दे रहा है सूरज, थोड़ा सा हल्की हल्की सूरज की किरणें अभी निकली हुई है। हल्की हल्की धूप आई है, कई स्थानों पर धूप आई है, कई जगह नहीं आई है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है और पाला भी पड़ा है आजकल, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये कपकोट का। सुबह का वक्त है, कहीं धूप तो कहीं छांव, बड़ा अच्छा लगता है मौसम, और कहीं पाला भी पड़ा है। ये देखिए, पूरी धूप आने के बाद मौसम इतना अच्छा है, हल्के हल्के बादल भी छाए हैं। ये पूरा कपकोट का क्षेत्र है, भयूं भयूं की एरिया है, भयूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूरा जो कपकोट ब्लॉक का क्षेत्र है, वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। कहीं धूप है, कहीं छाँव है, और यहाँ शाम तक। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, मैं अभी कपकोट के दरीबगढ़ में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि यहाँ मेले की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। दो एक तारीख से यहाँ मेला शुरू है, तो मैं आपको यहाँ के दरीबगढ़ का जो तैयारियां चल रही हैं मेले की, दुकानें वगैरह लगने लगी हैं, तो उसको दिखाता हूँ। आइए, ये कपकोट का पूरा क्षेत्र है। बालिका वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि मेले की तैयारियां चलने लगी हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ से रूबरू करा दूं। ये बहुत सुंदर दृश्य है कपकोट का, और थोड़ी देर पहले यहाँ गेम्स भी चल रहे थे, शायद मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, तो पुरस्कार वितरण वगैरह चल रहा है। और ये दिख रहे हैं दुकानें लगी हुई, थोड़ा सा गेम्स वगैरह चल रहे थे यहाँ, तो इसकी वजह से बिजी हैं। और द्वितीय स्थान पर कुछ बच्चे गेम्स भी खेल रहे हैं अभी, वॉलीबॉल की तैयारियां कर रहे हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरे मेले के स्टॉल बन चुके हैं, दुकानें खोल दी हैं, कुछ सामान डालना ही बचा है इस पर। एक तारीख से ये पूरा मेला भी प्रारंभ हो जाएगा। ये केदारीबगढ़ का पूरा लोकेशन है। दूर दराज से जो दुकानदार आते हैं, वो आप कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं फील्ड में, क्योंकि ये दुकानें लग चुकी हैं। ये पूरी छात्र संघ उपाध्यक्ष, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गेम्स चल रहे थे कुछ समय पहले, यहाँ क्रिकेट चल रहे थे, तो उसकी वजह से दुकानें नहीं लग पाई हैं अभी, लेकिन दो तीन दिन का जो टाइम है बीच में, उसमें पूरी दुकानें लग जाएंगी। उत्तरायणी कौतिक की तैयारियां चल रही है। और ये जो बाहर से आए दुकानदार हैं, वो ये लाइटिंग आइटिंग की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर रहना है। वर्ग की जो कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उप विजेता रही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एठा। बहुत सुंदर लोकेशन है कपकोट की। ये खेल ग्राउंड है कपकोट का, केदारेश्वर मैदान जिसको बोलते हैं। भव्य और सुंदर, ऊपर चोटी में जो दिख रही है, इस चोटी में चिरपत कोट मंदिर है, और इस वाली जो चोटी दिख रही है, यहाँ है कासेंड बहू, देवी देवताएं बिल्कुल ऊंचे पहाड़ी में बसे हैं। यह है दोस्तों सरयू नदी का तट, बिल्कुल नदी के पास में केदारेश्वर मैदान है, और ये सामने जो दिख रहा है गोमती होटल। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।